आज की रेसिपी जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, बहुत ही सिंपल सी है लेकिन बहुत ही डिलीशियस भी। और इसके साथ जुड़ी है ना केवल मेरी बल्कि आपकी भी बचपन की ढेर सारी यादें। याद कीजिए, बचपन में समर्स का हमारा फेवरेट डिजर्ट क्या होता था? बनता था घर में कस्टर्ड, जिसमें डाले जाते थे ढेर सारे फ्रूट्स और हम सब उसको कितना एंजॉय करते थे। तो आज उसी कस्टर्ड को थोड़ा सा और खूबसूरत बनाते हैं हमारी आज की रेसिपी कस्टर्ड पुडिंग के साथ। फ्रूट कस्टर्ड पुडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए मिक्स फ्रूट्स, एक पैकेट फ्रूट जेली, 2 कप दूध, 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, 4 टेबलस्पून चीनी और 1 छोटा सा वनीला स्पॉन्ज केक। तो फ्रूट कस्टर्ड पुडिंग बना रहे हैं और इसमें क्या करेंगे जानते हैं? अलग अलग ग्लासेस में इसे सर्व करेंगे और ग्लासेस में क्रिएट करेंगे हम लेयर्स। नीचे बनाएंगे एक केक की लेयर, उस पे डालेंगे एक रेड कलर की जेली की लेयर, फिर आएगा कस्टर्ड और उसके ऊपर ढेर सारे फ्रूट्स, जो ना खाने में केवल टेस्टी लगेगा बल्कि देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो सबसे पहला काम हमको ये करना है कि हमको जेली बनानी है, ताकि जेली को हम सेट करने के लिए ग्लासेस में रख सकें। अच्छा, जेली बनाने के लिए ना बाजार से रेडीमेड जेली का जो पैक मिलता है उसी का इस्तेमाल करेंगे। और जब आप पैक खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसके अंदर 2 अलग पाउडर्स होते हैं। बस उन दोनों पाउडर्स को पहले एक कांच के बोल में आप निकाल लीजिए और मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल पैक के जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं ना, उन इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करते चलेंगे जेली बनाने के लिए। बस तो इनको तो मिक्स कर लिया, अब 1/2 लीटर पानी उबालने चढ़ा लेते हैं जेली के लिए। पैन में मैं यहाँ चढ़ा लूँगी 1/2 लीटर पानी बॉयल करने के लिए। तो जब तक मेरा पानी बॉयलिंग पे आता है, फ्रूट्स तैयार कर लिए जाए और अनार छील लिया जाए। अब अनार को छीलना सबको लगता है कि इतना मुश्किल काम है, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका एक सीधा सा आसान सा तरीका सिखाऊं आपको, चलिए देखिए। तो बस इसका टॉप बॉटम कट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं ऐसे कट्स लगा लूंगी। तो ये नोटिस करिए, यहाँ पे ये जो ऐसा वेब बना हुआ है ना, ये जॉइंट्स जो हैं, यहाँ से मैं इसमें एक कट लगा लेती हूँ ऐसे। अब ऐसे वेजेस को निकाल लीजिए और एक बोल में इनको ऐसे पलट दीजिए। अब बैक ऑफ द नाइफ की हेल्प से इसको बस टैप कीजिए। देखा कितना आसान था, फिर से करें। बस करना क्या है, इसे थोड़ा सा ऐसे टर्न कर देना है, हाथ में पकड़िए और नाइफ के हेल्प से आप इसको पीछे से टैप करते जाइए। जस्ट पुल दिस आउट, ऐसे खोल दीजिए। देखा कितनी आसानी से अनार छिल गया, इसके दाने निकल आए। ऐसे ही पूरा अनार पहले छील लिया जाए, दिस डन। अब कीवी है मेरे पास, कीवी को कट कर लिया जाए। तो कीवीज को काटने का भी एक बहुत आसान तरीका है। पहले तो इसे हम हाफ में कट कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। अब एक शार्प स्पून की सहायता से बस जस्ट पुश दिस इन, टर्न दिस अराउंड और ये देखिए कीवी कितनी आराम से बाहर निकल आएगी। ऐसे ही और कट कर लिया जाए। अब कीवी को आप चाहें तो स्लाइसेस में कट कर लीजिए, नहीं तो पीसेस में चॉप कर लीजिए। बहुत ज़्यादा छोटा मत कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, वो बहुत मशी हो जाएगी। कीवी को भी अलग हटा के रख दिया जाए। इसी तरह से अंगूर हैं, बनानास हैं, स्ट्रॉबेरी हैं, मैंगोज हैं, जो भी आपको सीजन का फल मिले वो सीजन का फल इस्तेमाल कीजिए अपनी फूड कस्टर्ड पुडिंग के लिए। तो देखिए भाई, पानी तो उबलने पे आ चुका है, अब जेली फिनिश कर ली जाए। तो ये जेली पाउडर्स जो मैंने मिक्स करके रखे हुए हैं ना, अब इनमें ये बॉइलिंग हॉट वाटर को मैं पोर कर देती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए कि दोनों पाउडर्स जो हैं पानी में बढ़िया से घुल जाएं। अब इसे मुझे सेट करने के लिए रेफ्रिजरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो जेली पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ ना, वो रूम टेम्परेचर पे भी सेट हो जाता है। और इसे मैंने जैसे कहा पोर करूँगी मैं अपने ग्लासेस में।
तो ये देखिए मेरे पास है यहाँ पर ये कांच के ग्लासेस जिन्हें मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ। अच्छा, अब आप चाहें तो डायरेक्टली इसमें जेली पोर कर सकते हैं, नहीं तो चाहें तो ऐसे कोई भी केक, इवन फॉर दैट मैटर जो स्लाइस वाला केक मार्केट में मिलता है, उसको भी इस्तेमाल करते हुए नीचे पहले इसमें एक केक की लेयर दे सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू डू जस्ट दैट। तो मैं क्या करूँगी, इस ग्लास के हिसाब से इसमें ऐसे केक कट कर लूँगी। अब क्योंकि ये केक की स्लाइस काफ़ी थिक है, मैं इसे बीच में से हाफ कट कर दे रही हूँ, थोड़ा सा पतला स्लाइस लूँगी मैं। सो द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं इन ग्लासेस में ये केक की स्लाइस को ऐसे नीचे लगा दूँगी और इसका जो कटा हुआ साइड है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए और इसका जो बेस है ये नीचे की तरफ जाना चाहिए। इन केक के स्लाइसेस को इसमें नीचे अच्छे से पुश कर दीजिए और अब इसके ऊपर पोर कर देते हैं हम अपनी प्रिपेयर करी हुई जेली। और अब इन जेली ग्लासेस को हम सेट करने के लिए छोड़ देते हैं तकरीबन 40 मिनट के लिए, तब तक कस्टर्ड प्रिपेयर कर लिया जाए। अब कस्टर्ड बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर आधा लीटर दूध। अब इस आधे लीटर दूध में से एक चौथाई कप दूध जो है मैं पहले निकाल लूँगी और बाकी के दूध को यहाँ पर उबालने के लिए चढ़ा दूँगी। दूध में मैं ऐड कर दूँगी चीनी भी। अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर 3 टेबलस्पून चीनी का। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। चीनी को इसमें स्टर कर दीजिए एंड इसको एक उबाल पे आ जाने दीजिए। तब तक यहाँ इस दूध में मैं ले लूँगी 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। जानते हैं ओरिजिनली कस्टर्ड कैसे बनता था? कस्टर्ड बनता था दूध और अंडे को इकट्ठे पका करके, यानी कि दूध अंडा चीनी आपस में अच्छे से मिक्स किया जाता था और उसे पका लिया जाता था और बन जाता था कस्टर्ड। फ्लेवर के लिए ऐड किया जाता था उसमें वनीला, और हम क्योंकि एगलेस कस्टर्ड बनाना चाहते हैं इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कस्टर्ड पाउडर का जो एगलेस होता है। तो जब ये अच्छे से घुल जाएगा ना और दूध भी उबलने पे आ जाएगा, तब ऐड कर दूंगी मैं ये कस्टर्ड पाउडर का घोल यहाँ बॉइलिंग मिल्क में। दूध चीनी को स्टर कर लीजिए ताकि चीनी इसमें अच्छे से घुल जाए। वंस दिस कम्स टू अ बॉयल, इसमें हम ये कस्टर्ड पाउडर का जो मिक्सचर है इसे डाल देंगे। डालने से पहले इसे फिर से एक बार चला जरूर लीजिएगा ताकि अगर कस्टर्ड पाउडर नीचे सेटल हो गया है ना, वो वापस से इसमें डिसॉल्व हो जाए। अब कस्टर्ड पाउडर वाला मिल्क मिलाने के बाद इसे जल्दी से आप चला लीजिए, क्योंकि अगर आपने इसे चलाना शुरू नहीं किया ना तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, इसीलिए इसे कंटिन्यूसली हम स्टर करते रहेंगे। जस्ट इन केस लम्स पड़ भी जाते हैं तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसे छन्नी से छान लीजिए, एकदम क्लीन लम्प फ्री कस्टर्ड आपको मिल जाएगा। तो जब ये कस्टर्ड अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा ना, देखिए ऐसे, अभी जब ये ठंडा होगा ना ये और गाढ़ा होगा और अच्छे से सेट हो जाएगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने का इंतज़ार मत कीजिएगा। अब गैस को कर देते हैं बंद और इसको मैं चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। चलाना मत छोड़िएगा, नहीं तो क्या होगा, इसके ऊपर एक मलाई की लेयर आ जाएगी, यानी कि स्किन आ जाएगी, और वो हमें नहीं चाहिए। तो बस इसे चलाते रहिए ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। वंस दिस कूल्स डाउन स्लाइटली, क्या करेंगे, ये जो ग्लासेस में मैंने जेली सेट करके रखी है, अब देखिए ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इन ग्लासेस में ये कस्टर्ड हम पोर कर देंगे। अब इस कस्टर्ड को भी इन ग्लासेस में अच्छे से ठंडा हो जाने देते हैं और फिर इस पे लगाएंगे अपने फ्रूट्स और इसे सर्व करेंगे एकदम चिल। कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, अब आती है बारी इस पे थोड़े से फ्रूट्स ऐड करने की। तो थोड़े अनार और कीवी तो मैंने रखे हुए हैं तैयार करके। अब कुछ स्ट्रॉबेरीज है मेरे पास, काला अंगूर है और ये ग्रीन वाला अंगूर भी है, इनको भी मैं हाफ में कट कर लेती हूँ। और अब टॉप करते हैं अपने कस्टर्ड को इन फ्रूट्स के साथ। सो लेट्स बिगिन। थोड़ा सा अनार ऐड किया जाए, थोड़ा सा कीवी, ग्रेप्स, कुछ और फ्रूट्स, मैं ब्लैक ग्रेप्स और ऐड कर दूं।
स्ट्रॉबेरीज, आप चाहें तो स्ट्रॉबेरीज को होल भी रख सकते हैं, नहीं तो इनको कट करके भी आप रख सकते हैं। फ्रूट कस्टर्ड को कीजिएगा अच्छे से चिल और तब सर्व कीजिएगा इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को, और बस उनको भी इंजॉय करते देखिएगा और खुद भी इंजॉय कीजिएगा। लेकिन भाई इससे पहले ये तो बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो ऐसी बेहतरीन सी रेसिपीज आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। और याद है ना कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि फ्रूट कस्टर्ड पुडिंग कितनी डिलीशियस लगी आज।